एक गांव में एक पिज्जा शॉप हुआ करता था। उसके मालिक का नाम था परमेश मेहता। उसके अशोक मेहता और आकाश मेहता नाम के बेटे थे। दोनों पिता की मदद करते थे। अशोक काउंटर पर बैठता था तो आकाश अच्छे वाले पिज्जा बनाता था। अशोक मेहता का स्वार्थी और लालची दिमाग था, लेकिन आकाश मेहता बहुत भोला इंसान था, सब पर विश्वास करता था। ये बात पिता परमेश मेहता को अच्छे से पता थी, इसीलिए वो एक वकील से बात करके उसकी जायदाद दोनों को बराबर में बांटी जाए ये विल में लिखवा कर साइन भी किया। वहाँ से जाने के बाद वो वकील अशोक मेहता को फोन मिलाकर, जैसे तुमने कहा, तुम्हारे पिताजी आकर विल में लिखाए भाई, लेकिन मैंने सब ऐसे लिखा जैसे सब तुम्हारा हो जाए। उन्होंने बिना देखे ही साइन कर दिया, तो अब तुम्हारी बारी, भूलोगे तो नहीं ना? यूं कहा तब अशोक मेहता, वकील साहब, आप भी क्या कह रहे हैं? आपको जो पैसे मिलना है वो पूरी तरह से आपके हैं। अब मेरे पिताजी के मृत्यु का ही इंतजार है। यूं कहा, फिर कुछ दिनों बाद परमेश मेहता गुजर गया। सब उसे तसल्ली दे रहे थे। अशोक मेहता, रे भाई फिकर मत करो रे, वकील जी पिताजी के लिखे गए विल को जरा पढ़िए। यूं कहा वकील तब पूरा विल पढ़ा। वो सुनकर आकाश मेहता की पत्नी, ये क्या विल है जी, पूरी जायदाद भैया की और सिर्फ एक बैम्बू का पेड़ का खेत छोटे भाई को, ये कैसा न्याय है? यूं बोली अशोक मेहता, ये क्या है, मरे हुए इंसान के बारे में ऐसे कोई बात करता है क्या? यही है क्या जो इज्जत तुमने पिताजी को दी? यूं कहा आकाश मेहता पत्नी से, चुप हो जाओ, वो पापा के मेहनत से कमाई गई जायदाद है, उनकी मर्जी के हिसाब से लिखने का अधिकार उन्हें है। मैं होशियार नहीं हूँ और शायद जायदाद को बर्बाद कर दूंगा सोचकर भैया को लिख कर दिए होंगे। यूं कहा अशोक मेहता, अच्छा बोले रे, अब और किस बात की देर, ये घर भी तो मेरा ही है ना, अब बाहर निकल जाओ। यूं कहा फिर बेचारा आकाश मेहता पत्नी और बच्चे के साथ बाहर निकल गया। बैम्बू पेड़ के खेत में एक छोटी सी झोपड़ी में जीने लगे। वो और पत्नी बच्चे सब मिलकर बैम्बू के पेड़ को काट कर उन्हें उठाकर बाजार में लाकर बेचकर पैसे कमाने लगे। एक दिन अशोक के पिज्जा शॉप के आगे से वे जब बैम्बू के पेड़ को उठाकर ले जा रहे थे, वो देखकर अशोक मेहता और उसकी पत्नी हंसने लगे। तब आकाश मेहता और उसके परिवार वाले बहुत दुखी हुए। एक दिन वकील आकाश मेहता के घर आकर, बेटा मुझे माफ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहकर जो हुआ वो सब बताकर, मेरी पत्नी को अभी कैंसर हुआ है, अच्छे से पढ़ने वाले मेरे बच्चे गलत संगत में आकर बिगड़ गए हैं, क्या कारण है ये हमारे आचार्य जी से पूछे तो उन्होंने कहा कि कोई पाप किए होंगे, अगर उस पाप का प्रायश्चित करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। यूं कहा मैं कोर्ट में फिर से तुम्हारे भाई पर केस डालकर तुम्हारी जायदाद तुम्हें मिले जैसे करूंगा। यूं कहा उनके जाने के बाद आकाश की पत्नी, ओ जी आपको पिज्जा बनाना अच्छे से आता है ना, तो वो छोड़कर ये बैम्बू बेचने का काम क्यों कर रहे हैं हम, एक बार सोचिए तो। यूं बोली आकाश, पिज्जा बनाना हो तो बहुत कुछ चाहिए होता है री, शॉप सामान ओवन ऐसे कई प्रकार के चीजें होती है जो हमारे पास नहीं है। तब पत्नी, वो सब नहीं है तो क्या हम पिज्जा नहीं बना सकते, हम इन बैम्बू की लकड़ियों से एक पिज्जा शॉप हम ही बनाते हैं, अवन के बदले बैम्बू पर पकाएंगे, उसका स्वाद ही कुछ और होगा और लोगों को पसंद आएगा, ये मेरा यकीन है जी। यूं बोली, उसकी बातें उसको खूब पसंद आई। फिर दोनों मिलकर अशोक मेहता के दुकान के आगे ही बैम्बू से एक पिज्जा शॉप तैयार किए। वन टेबल्स कुर्सी सब बैम्बू से बने हुए थे। पिज्जा ओनली 10 रुपीज, ऐसे बोर्ड भी लगा था। पहले तो पिज्जा पर सारे किस्म की चीजें डालकर उसे फिर बैम्बू पर रख कर पकाते थे, फिर उन्हें टेबल्स पर बैठे कस्टमर्स को देते थे, वो खाकर लोग वो स्वाद पर फिदा हो गए थे। रेट भी कम होने से ज्यादा लोग खरीदने लगे और वो ज्यादा कमाने लगे। अशोक की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था, ये देखकर उसे बहुत जलन हुई। एक दिन राउडी के साथ बैम्बू पिज्जा शॉप के पास आया और कहा, ए कमीने, मेरे शॉप के आगे ही तुम अपना व्यापार करोगे तो मैं क्या देखते बैठूंगा, रे उसके दुकान को नाश करो रे। यूं कहा ठीक उसी समय वकील पुलिस वालों के साथ वहां आया।
वो अशोक मेहता से। रे अशोक मेहता, ये लो कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर। इस जायदाद में आधा तुम्हारे भाई का है। ये ऑर्डर है, मैं कोर्ट के सामने अपने किए धोखे के बारे में मान गया हूँ। अब हमारे किए इस धोखे के कारण दोनों को जेल जाना होगा। एसएजी, हम दोनों को अरेस्ट करके ले चलो। यूं कहा, इस तरह उन दोनों को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। फिर आकाश मेहता बैम्बू परी पिज्जा बनाते हुए खुशी से जीने लगा।